ताजा घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. उल्हासनगरात फुकटची चायनीज दिली नाही म्हणून एका चायनीज विक्रेत्याला बेदम मारहाण झाल्याची घटना उल्हासनगर शहरात घडली आहे. ही मारहाण शिवसेनेच्या शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी केली. आता या प्रकरणी उल्हासनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपी हे फरार झाले आहेत. उल्हासनगर कॅम्प नंबर 2 गोल मैदान परिसरात मोहित पंजवाणे यांचं चिमणी द नाईट नावाचे चायनीज विक्रीचे दुकान आहे. 14 एप्रिलच्या मध्यरात्री शिवसेना वैद्यकीय मदत कक्षाचे गणेश साळुंखे व वैभव बोडके उर्फ चिक्या यांनी मोहित यांच्याकडून फुकटची चायनीज मागितली. दरम्यान मोहित यांनी फुकटची चायनीज देण्यास नकार दिला. याचा राग येऊन गणेश साळुंखे व त्याच्या इतर गुंडांनी मोहित याला बेदम मारहाण करत दुकानाची तोडफोड केली. ही संपूर्ण घटना CCTV कॅमेऱ्यात कैद झाली. मोहित याला मारहाण करत बाजूला नेऊन गळ्यातील सोन्याची चैन आणि खिशातील रोख रक्कम काढून घेतल्याचाही आरोप मोहित याने केलाय. आता या प्रकरणी उल्हासनगर पोलीस ठाण्यात गणेश साळुंखे आणि वैभव बोडके उर्फ चिक्या याच्या विरोधात मारहाण धमकावणे शिवीगाळ केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. दरम्यान पोलिसांनी चुकीची तक्रार नोंदवली असून पोलिसांनी पुन्हा माझी तक्रार नोंदवावी अशी मागणी मोहित यांनी केली. मेरा नाम मोहित पंजवानी है. कल 14 अप्रैल के दिन पे रात के टाइम पे मेरे पास कुछ शिंदे गुट के लोग नाश्ता खाने के लिए आए थे. तो उनको चाहिए था कि मैं उनको फ्री में नाश्ता दूँ, जो मैं नहीं दे पाया. तो उन्होंने गुस्से में आके मेरे दुकान पे तोड़फोड़ किया, जैसा CCTV में देख सकते हैं. तो उनको नहीं देने का कारण था कि भाई हमारे पास भी दुकान का भाड़ा भरने का है, हमको भी लड़के लोग हैं, इन सबको पैसा देना पड़ता है. तो उनसे मैंने पैसा मांगा, उनको वो चिढ़ लगी. तो उनको मैंने बोला कि भाई मैं आपको फ्री में नहीं देता हूँ, पेमेंट दो, आप अपना पार्सल लेके जाओ. तो उस पर उन्होंने मेरे को बहुत गाली गलौज किया और मेरे को बहुत मारा. आप CCTV में देख सकते हैं. कौन आए थे? मैं जो यहाँ का मेन है उसका नाम है गणेश शाहरुख है. उसके साथ में था वैभव बोड़के और चिक्किया. मेरे को मारते मारते मेरे दुकान से आगे सोमे हॉल के चौक तक लेके गए. फिर उसके बाद में वहाँ पे मेरे जेब से उन लोगों ने कुछ 3,500-4,000 के करीब कैश था वो निकाला. मेरे गले में चेन पहना हुआ था वो उन्होंने निकाल दिया तोड़ के. अभी वो मेरे को मतलब बोल रहे हैं कि तुम धंधा करके दिखाओ, हम तेरे को देख लेंगे. अगर कल तू दिख गया 11 बजे के बाद तेरा दुकान खुला दिख गया, हम तेरे को वार वार करेंगे. ना तेरे घर वालों को छोड़ेंगे ना देखो छोड़ेंगे, तेरे को धंधा करने नहीं देंगे हम यहाँ पे. उसके बाद में गणेश सालों के बोल रहा था कि भाई आज के बाद तू अगर दिख गया मेरे को किधर भी तो तेरे को मैं बहुत मारने वाला हूँ. मैं उसके लड़के लोग मारते मारते मेरे को आगे तक लेके गए. आप CCTV में आपको उसकी भी रिकॉर्डिंग है कि भाई मेरे को क्या मेरा हाल क्या किया गया. कितने जन आए थे? 7-8 जन थे. आप CCTV में देख सकते हैं. मेन था एक गणेश शाहरुख है, दूसरा वैभव बोड़के और चिक्किया, तीसरा प्रदीप जायसवाल, चौथा भरत मडवी था, पांचवा एक बाला नाम का था. हाँ ये सब थे. और उसके बाद 2 अन्य थे, उनका नाम मेरे को नहीं पता. मैं पुलिस प्रशासन से यही चाहूँगा कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए. इस बारे में FIR दर्ज किया गया? हाँ, एक नंबर पुलिस चौकी में FIR दर्ज किया. पर जो मैं FIR दे रहा था वो FIR उन्होंने लिया नहीं. उन्होंने FIR आधा अधूरा ही फाड़ा है और उल्टा फाड़ा है. क्या उल्टा क्या फाड़ा है? मतलब मेरे पर जैसा रॉबरी हुआ उन्होंने रॉबरी डाला नहीं है. उन्होंने नॉर्मल खाली केस डाला है कि मतलब मेरे को मारा है और दमदाड़ी दिया है, उन सब का खाली डाला है. रॉबरी का उन्होंने दिखाया ही नहीं है उसमें. आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. ताजा घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.